रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम हरताग्रज राम राम श्री राम राम रणपुंगव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा माता रामो मत्पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा सर्वस्वं मे रामचंद्रं दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सियावर रामचंद्र उमापति महा जय। कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई सुनऊ भगति मणि के प्रभुताई राम भगति चिंता मणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरयंत परम प्रकाश रहे दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया ग्रत बाती मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं ताही बुझावा धन प्रदिद्या तम मिटि जाई रही सकल सलभ समुदाय खल का मादि निकट नहीं जाही सही भगति जाके उर माही गरल सुधा समय रीत होई नहीं पावन कोई व्यापै मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी राम भगति मन उर बस जाके न सपन उताके चतुर शिरो मणि तई जग माही जे मणि लाग सुजतन कराई सो मणि जदपि प्रगट जग आई राम कृपा बिनु नहीं को रही सुगम उपाय पाई वे केरे नरहत भाग्य दे भट भे पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गा भाव सहित खोजै जो प्राणी भाव भगति मन सब सुख खान मोरे मन प्रभु अस विश्वासा
राम तयाधिक राम कर दासा राम सिंधु घन सजन हीरा आनंद समीरा सब कर फल हरि भगति सुहाई सो बिनु संत न काहू पाई अस विचार जोई कर सतसंगा राम भगति ते सुलभ बिहंगा ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरराय कथा सुधा मति गाढ़ भगति मधुरता विरति चर्म रसि ज्ञान मधु लोभ मोहरि पुमारि जय पाई सो हरि भगति एक सुकर विचार सियावर राम चंद्र उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की जय। आज के सत्संग में आप सभी विशिष्ट भक्तों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपने बीच में प्रभु की असीम कृपा से परम श्रद्धेय माननीय श्री आचार्य रामकृष्ण तिवारी मणि भक्ति का निरूपण करने के लिए उसकी विशद व्याख्या के लिए हम सबके बीच अपना समय दे रहे हैं। अतः अपनी ओर से और अपने सभी कामद मैनेजमेंट की ओर से उनका हम अभिनंदन करते हैं, आचार्य जी का स्वागत करते हैं, बार बार नमन करते हैं। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से गोस्वामी जी तुलसीदास जी द्वारा रचित उत्तरकांड की मणि भक्ति के निरूपण की चौपाइयों का पाठ कर रहे हैं और उसके पाठ करने में हमें ज्ञात होता है कि मणि भक्ति को प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी तीन शर्तों को रखते हैं। पहली शर्त है राम कृपा का होना, दूसरी शर्त है एक संत के द्वारा संत का पाया जाना, जीवन में संत का सामीप्य और सानिध्य पाया जाना, और इसी तरह तीसरी शर्त जो समझ में आती है कि भाव सहित जो खोजें प्राणी, श्रद्धा और भाव के साथ उसको खोजना। इन्हीं तीन शर्तों को गोस्वामी जी ने इस प्रकार हमारे समक्ष रखा है कि सोमणि जदपि प्रगट जग आई राम कृपा बिनु नहीं को लाही। यद्यपि सारे संसार में प्रकट है, विद्यमान है मणि भक्ति, लेकिन राम कृपा बिनु नहीं को लाही। राम कृपा की शर्त जोड़ देते हैं। ये राम कृपा कैसे सुलभ होती है हमारे महाराज जी बताएंगे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि सब कर फल हरि भगति सुहाई सो बिनु संत न काहू पाई। सो बिनु संत न काहू पाई, यद्यपि सुलभ है, सबको सुलभ है, सब जगह सुलभ है, लेकिन बिना संत के माध्यम, बिना संत के सामीप्य और सानिध्य के वो मणि भक्ति संभव नहीं है। तो एक संत और संत का सामीप्य हमें प्राप्त हो रहा है आचार्य जी के रूप में। और इसी क्रम में भाव सहित खोजई जो प्राणी पाव भगति मन सब सुख खानी। सब सुख खानियों, सब सुखों की जो खानी है, उद्गम है, वो प्राप्त तो है हमें, लेकिन उसको भाव सहित खोजने की आवश्यकता है। संसार की अन्य चीज़ें सामान्य खुदाई से और प्रयास से पाई जा सकती हैं, लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र के मणि भक्ति बिना श्रद्धा और भाव के पाना संभव नहीं है। ऐसी इन तीनों शर्तों को सुगम और सुलभ कराने का प्रयास हमारे महाराज जी के शब्दों के द्वारा होता है। हम सब बहुत कृतज्ञ हैं, भूरि भाग हैं कि महाराज जी का हमें सानिध्य प्राप्त होता है, और आपसे अनुरोध करते हैं कि हम सबको ये मणि भक्ति का स्वरूप बखान करें।
महाराज जी। गोस्वामी जी चल रहे हैं, कह रहे राम सुकीरति। अब हमें रचना करनी है भाई ग्रंथ की, तो भगवान का जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, वो तो बहुत उच्च स्तर की है। भनिति भदेसा, हमारी जो वाणी है वो तो अच्छी नहीं है, उसमें उस स्तर की गुणवत्ता नहीं है। अस मंजस अस मोहि अंदेशा, ये असामंजस्य है। एक होता है सामंजस्य, है ना, सामंजस्य माने संगति, और असामंजस्य माने असंगति, माने ये संगति नहीं लग रही। कहां भगवान का इतना महान यश और कहां हमारी ये क्षेत्रीय लोक वाणी, लोक भाषा, भनिति भदेसा, असमंजस अस, मुझे यही असामंजस असंगति लगती है। और अस अंदेशा है ना, मैंने इसमें हमको संशय उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रकरण प्रार्थना का है ना, व्यास जी प्राकृत कवि और कलियुग के कवि, तीनों लोगों से प्रार्थना है, तो किस बात की प्रार्थना है बता दिया। ये अंदेशा है, ये शंका है हमें, क्योंकि मुझे वर्णन करना है परमात्मा का यश। एक तो वो वाणी से परे समाता नहीं, और दूसरे हमारे पास जो वाणी है, जो हमारे पास भाषा है, वो बहुत अच्छी नहीं है।
ये हमारे अंदर ये असंगति हमको लगती है, तो हमारा मन संकालु हो जाता है। अगर आप लोग कृपा करो, तो नीचे वाली लाइन, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे। अगर हे कवि, हे महाराज, हे संतो, हे विद्वानों, आप अगर कृपा करो तो ये सुलभ हो जाए, माने ये जो असंगति है ये समाप्त हो जाएगी, हमारे अंदर जो संशय है वो खत्म हो जाएगा और एक चीज बन करके तैयार होगी, भनिति भदेशा से और राम सुयस मिल करके क्या तैयार होगा, बोले सियन सुहावन टाट पटोरे। जैसे टाट पट्टी में भी सुंदर सिलाई हो तो वो टाट पट्टी अच्छी लगने लगती है। सिलाई माने वो जो हमारे शब्दों को पिरोने का जो मटेरियल है ना भाई, सिलाई क्या करती है, सिलाई दो टुकड़ों को जोड़ती है, तो शब्दों को जो जोड़ने वाली चीज होती है, माने आप कोई चीज कहना चाहते हो तो कहना तो है ना शब्दों में पड़ेगा, तो शब्दों के जो जोड़ने के पीछे क्या बोलूं सुलेशन है क्या वो तो भावना होती, वो कोई विचार है आपका, वो आप कोई शब्द बोलने के लिए थोड़ा बोल रहे हो भाई, ऐसे ऐसे समझो, आपने बोला घर में हमको भोजन चाहिए, तो भोजन चाहिए वाक्य बना, शब्दों को सिल दिया, किस भावना ने, किस विचार ने, वो भूख के विचार, तो भीतर क्या चीज है, भीतर हमारा अभिप्राय ये है कि मुझे भोजन की जरूरत है, इसने शब्दों में सिलाई कर दी, तो वो जो शब्द थे उतने वो एक हो गए, वो वाक्य का रूप ले गए, है ना, जैसे वो टुकड़े टुकड़े कपड़ा होता है ना महाराज, वो सिलाई से फिर सूट बन जाता है, सूट नाम किसका है भाई तो बताओ, अरे वही कपड़ा है सिल दिया गया, शब्द तो वही है, कविता बन गई, तो कविता बन कैसे गई, राम यश की सिलाई हो गई, तो टाट चैन हो लेकिन सिलाई अच्छी हो जाए तो सुहावना लगने लगता है, सियन सुहावन टाट पटोरे, माने टाट जैसी चीज भी और उसमें रेशम की सिलाई कर दी जाए वो भी अच्छा लग रहा है, राम और ये संतो ये आपकी कृपा से हो सकता है, इसलिए आप कृपा करो, प्रार्थना चल रही है महाराज, कवि गोविंद कहा सरल कवित कीरत विमल सो याद नहीं सुजान। देखो यहां दो चीज की संगति को स्वामी जी फिर लगा रहे, सुजान लोग अच्छे लोग, कसौटी क्या है, क्या बनाना चाहते हैं गोस्वामी जी, इस स्तर का काव्य बने जिसको सुजान लोग आदर करें और वो इतनी प्रभावशाली हो कि नीचे वाली लाइन सहज बयर विसराई ऋतु, ये बड़ी बात है, जो सुनी करें बखार, दुश्मन भी शत्रु भी जब पढ़े सुने तो वो शत्रुता छोड़ने को मजबूर हो जाए, ये देखो उसको लगने लगे कि मेरी शत्रुता का तो कोई मतलब नहीं, आगे आएगा भगवान ऐसा आचरण करके हम लोगों को दिखाते हैं, बोले बैरी राम बड़ाई कर रही, ऐसा बोला जाए, भले ही भगवान से किसी की दुश्मनी हो लेकिन वो
वो भी राम जी की बड़ाई करते हैं, क्योंकि उनका बोलना, मिलना, हंसना इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि शत्रुता भी टिकती नहीं है साथ। तो वो स्वामी जी दो कसौटियां बनाते, पैमाना बना देते हैं, विद्वानों महात्माओं ऐसा बन जाए कि सज्जन लोग आदर करें और जो बैरी लोग हैं सहज भैर विसराए रिपु सो सुन करें बखान, वो जब सुने पढ़े तो उनका भैर मिच ऐसी भी कोई चर्चा होती है, सामने वाला ऐसा कुछ बोल देता है कि जो बैर भीतर लिए बैठा रहता उससे तो पश्चाताप होता है कि लो जी हम तो इतने दिन से भीतर भीतर इनसे ये बांधे बैठे थे और इनका इधर कोई ध्यान ही नहीं, ऐसा भी होता है। और अच्छे लोगों लोग तो वैसे भी महाराज बैर बुद्धि को भीतर संभाल के नहीं रखते, अभी नहीं रखना चाहिए, आपको बताएं क्यों, क्योंकि महाराज वैर वृत्ति अगर भीतर रहेगी तो सामने वाले का माने वैरी का उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। भाई भीतर आप हम सोच करके बैठे ही है हमारे दुश्मन है तो उनसे उनका सोचने से क्या होने वाला है, लेकिन सोचने वाले का अंतःकरण विकृत हो जाए। भाई अंतस में तो वो चीज बैठी है ना, तो हृदय गंदा हो जाए, उसमें संवेदनशीलता की कमी हो जाएगी, हृदय जलेगा और उसका कुछ नहीं होगा। और जो बाहर शत्रुता कर दे भाई किसी कारण वसा तो भीतर न रखे, बोले ये उससे तब भी अच्छा है, उसकी तो कम से कम क्रिया में गलती है, तुम्हारे तो सोच में गलती है, सोच में गलती ज्यादा भारी मानी जाती है, जो विचारों में गलती है वो ज्यादा बड़ी मानी जाती है, क्योंकि वो आपको 24 घंटे खराब करती है। तो वो स्वामी निवेदन ये कर रहे थे कि बैर वृत्ति ऐसा कुछ निकले भीतर से, ऐसा कुछ हो सकता है, वो बता रहे हैं कि जब वो भी सुने हमारी कविता को, वो स्वामी जी मांग कर रहे तो वैर बुद्धि तो छूट जाए और वो भी उसको सुनने लगे और ये कब बनती है, तो उन्होंने एक संगति बताई, ऐसा कब बन सकता है, देखो सरल कवि और कीरति विमल इन दोनों की संगति यदि बैठ जाए तो कसौटी ये बन सकती है। कविता हमारी सरल हो, सरल माने सर्व सुलभ हो जाए, जो हाथ में लाए पढ़ ले, हमारा व्यवहार हमारी चीज इतनी सरल हो कि किसी को संकोच न हो पहुंचने तक। मैंने कई बार ऐसा देखो हम हमको कभी कभी मन में ऐसा आ भी जाता है कि कलयुग महाराज की देन देखिए आप, कि संतों ने आचार्यों ने नकल कर ली किसकी, ये जो राजनीतिक लोग हैं जो अधिकारी लोग हैं, तो जैसा वो अपना ताम तुम बनाते हैं ना और वो पहुंचने के लिए ये और वो पहले उन लोग क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो ऐसे इस तरह का संतों में और इनमें अच्छा नहीं माना जाता, ये तो वो अपना ऐसा कुछ मत करें, ऐसा कुछ न करें जिससे कोई आदमी पास में आने से संकोच करे, दरवाजा खुला होना चाहिए, ऐसा कोई व्यवहार ही न हो कि हमको हमारे हमें अपने आसपास सिक्योरिटी खड़ी करनी पड़ेगी, उनके लिए ठीक है वो चीज, संतों के लिए वो ठीक, इसका मतलब आपने ऐसा कुछ किया है, आपने कुछ किया है ऐसा
तो वहां देखो दो बात बता रहे हैं, ये दो दो चीजों की संगति अगर लग जाए तो उसमें कसौटी सफल हो जाती है, उसको कितनी महान बन सकती है। सरल कवित कीरति विमल सोई आदर ही सुजा। कविता हमारी इतनी सरल हो, सरल है, एक छोटा बच्चा है दो चौपाइयां वो भी गाता है, और भगवान की कीरति विमल है ये भी आप आगे सुनोगे बहुत बढ़िया। विशुद्ध मने जो वैदिक सिद्धांत हैं उनको रखने में गोस्वामी जी ने कोई समझौता नहीं किया है, कोई समझौता नहीं किया है। हम उसको अलग बात है कि जब गंभीर नहीं होते तो हम उन चीजों को छोड़ देते, पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं जाता है हमारा, श्रम लगता है, तो उनकी उपेक्षा करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं गायन, छोड़ा है। लेकिन उन्होंने कीरति विमल रखी परमात्मा, उस कीर्ति पे कोई समझौता नहीं है, आप सुनोगे कोई समझौता नहीं रखा है उन्होंने। आपको समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए ना ही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया सिद्धांतों को सरल करने के। महाराज एक निवेदन आपको करूं, प्राय जीवन में फिसलन होती है फिसलन ये होती है कि या तो महाराज हम अच्छा नहीं कर पाते, अब अच्छा कर पाते हैं तो अपना स्वभाव बड़ा दूसरे तरह का बना लेते हैं, मैंने सरल और सबल ये इकट्ठे नहीं हो पाते। ये नहीं हो पाते, मैं स्थिति क्या बनती है कि अगर हमने बड़ा कार्य कर दिया या करने में सफल हो जाए तो हम सामान्य स्थितियों से बिल्कुल अलग हो जाए, विशेष अगर हो जाए तो सामान्य छूट जाता है, और सामान्य अगर रहे तो विशेष को पकड़ नहीं पाते, बोले हम तो यही रहेंगे। देखो ऐसे चलो इसको थोड़ा कथा से समझ लेते, कोई ऐसी आग्रही बुद्धि भी होती है, क्या आग्रही बुद्धि होती, बोले हम तो भाई आगे आगे रहेंगे कमेटी में तो ही, हाँ अगर आगे जगह मिलेगी तो रहेंगे, ये बात है। कुछ लोग ऐसी भी सोच के हम तो भाई पीछे रहते, बोले ये बहुत अच्छा ये भी नहीं है, तो फिर क्या है, तो हनुमान जी महाराज बताते कभी आपने ध्यान आगे आएगी कहा, जब वो चलते हैं ऋषिमुख पर्वत से विदा लेकर के तो बोले पाछे पवन तने से रुनावा, तो वो पीछे रहते हैं। लेकिन जब वो स्वयं प्रभा की गुफा में घुसना था तो डर के मारे कोई उसमें घुस नहीं रहा था, तो आगे करी हनुमंत लीना, तो आगे और हो गए, माने आगे पीछे का आग्रह नहीं है, काम होना चाहिए। ये प्रधान क्या है, भक्ति प्रभु सेवा होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए, हमको आगे रहना पड़ेगा तो आगे रह लेंगे, पीछे रहना पड़ेगा तो पीछे रह लेंगे। इसके पीछे तथ्य ये है, महाराज हमारे स्वभाव में ऐसी कठोरता ना आ जाए कि अगर हमको व्हील चेयर नहीं मिलेगी तो हम कथा ही नहीं कर पाएंगे, या हमको ऐसा ऐसा प्रबंधन नहीं मिलेगा तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये अगर सावधानी न हो तो महाराज फिसल जाती है बुद्धि। कह रहे हैं सरल कवित कीरति विमल, थोड़ा इसको और इस कोण से भी देखती है, हमारे व्यवहारिक पक्ष में महाराज बड़ी लाभकारी चीज है। हाँ जब हम प्रायः ज्यादा भावुक होते हैं तो सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, और ज्यादा सिद्धांतवादी होते हैं तो इतने कठोर हो जाते हैं
कि दूसरे हमसे दूरी बनाना पसंद करने लगते। आप कथा सुनोगे, भरत जी का सिद्धांत यह है कि हमारे प्रभु वन में पैदल गए तो वो कहते हैं मुझे सर के बल जाना चाहिए तो मैं वाहन से नहीं जाऊंगा। देखा ना, ये उनकी समझ है, तो वो पैदल चलने लगते हैं। फिर कौशल्या माता बगल में उनके आती है और कहती है भैया भरत, ये अगर आप ऐसा करोगे तो ये नगरवासी लोग सब पैदल चलने लगेंगे, इनको छाले पड़ जाएंगे, असुविधा हो जाएगी। भरत जी बैठ जाते घोड़े और फिर जब गंगा पार होते हैं तो सबको आगे आगे कर देते हैं और सबसे पीछे चलते हैं तो फिर पैदल चलने लगते हैं। माने सिद्धांत ऐसा भी न हो कि हमारी वजह से वो पता लगे घर भर में है ना समस्या पैदा कर दे, लचीला हो। लेकिन ऐसा भी लचीला ना हो कि वो सिद्धांत का स्वरूप बदल जाए। ये दोनों बात है महाराज, माने इसमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। हमारा सिद्धांत से कोई समझौता भी ना हो और दूसरे के लिए समस्या भी ना बने। जी, यहां सरल कविता सरल, देखो भाषा सरल, सबकी पहुंच में समझने में सरल, कीर्ति विमल, लोक रीति भी लेके चलते हैं गोस्वामी जी, वेद रीति भी लेकर के चलते हैं। सोई याद नहीं सुजान, बोले जो सुजान लोग हैं, अजान नहीं, गोस्वामी जी अजानों की गिनती नहीं करते। सोई याद नहीं सुजान, सहज मयर विसराय रिक, जो सुनि करें बखान। ऐसी महाराज हमारी बन जाए कविता कि वो शत्रुता छूट जाए उनकी और वो भी बखान करने लगे, वो भी लाभ उठावे, उनके भी मन में एक बार ये आ जाए कि हाँ है तो अच्छा। सो न होए बिन विमल मत, बता रहे हैं इसके लिए जैसी विमल बुद्धि चाहिए, मोई मति बल अति थोर। हे महाराज, हे संतो, कवियों, महापुरुषों, ये बिना आपके आशीर्वाद के नहीं हो सकता। सो न होए बिन विमल मति, मोई मति बल अति थोर। मेरी बुद्धि में बल बहुत थोड़ा है, करो कृपा, ये मांग है, ये प्रार्थना है, आप कृपा कर दो। क्या करना है आपको मेरी कृपा को लेकर के? बस हरि जस कहूं, मैं भगवान का यशोगान करना चाहता हूं, भगवान का यशोगान करना चाहता हूं, मनमाना गान नहीं। फिर हम यहां बात को निवेदन करेंगे, कई बार भगवान के यशोगान के नाम पर हम मनोगान करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अपना गान, मनोगान, जो मन में आया वो गाना शुरू करते, नहीं। जो शास्त्र ने, भाषा आपकी कोई भी हो, समझाने का तरीका आपका कोई भी हो, इसकी आपको छूट है ना। लेकिन आप जिस तथ्य का निरूपण कर रहे हैं, जिस तत्व का निरूपण कर रहे हैं, वो वैसा ही हो जैसा शास्त्रों ने बताया है। सो न होए बिनु विमल मति, मोई मति बल अति थोर। मेरे पास बहुत थोड़ा बल है और इसमें बहुत बड़ा चाहिए, करो कृपा। आप सब लोग कृपा करो। अच्छा, सब लोग कृपा करने की बात क्यों कही जा रही है? इसका ये महाराज वैज्ञानिक कारण है, आप थोड़ा इस पे ध्यान देना। देखो, एक मन में जो बल होता है
वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसी के साथ एक मन और जुड़ जाए, चलो ऐसे हमने कि नहीं महापुरुष से सुना था, अपने काम की चीज हम लोग निकालेंगे, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। कहा दो मन भी जब अगर एक हो जाते हैं ना, तो उन्हें दुनिया उलटने की क्षमता आ जाती है। मन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जितने मन एक लक्ष्य की ओर जुड़ते जाएंगे वो उतनी व्यवस्था अच्छी होती चली जाएगी। एक आदमी अभी देखो, हम लोग इतने लोग बैठ करके प्रभु चर्चा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अगर अकेले में कहीं करनी पड़े और आरंभिक काल हो तो बड़ा कठिन पड़ जाएगा। मन में स्वयं बहुत शक्ति होती है एक मन में, और उसके साथ जितने मन की शक्तियां जुड़ती चली जाएंगी। मैंने जैसे यहां आप हम आप सब बैठे तो हम सबके का मन एक ही लक्ष्य की ओर लक्षित है, इसलिए एक वातावरण का निर्माण है यहां। ऐसा जब निर्माण होता तो वहां एक दिव्य आभा मंडल बनता है, एक भव्य आभा मंडल बनता है। इतनी शांति से समय व्यतीत होता है और जो बात सामने होती वो ग्रहणीय हो जाती है, हमारी बुद्धि उसको पकड़ने में सफल हो जाती है। ये मन की शक्तियां हैं, जितने मन जुड़ते, इसीलिए समष्टि संकल्प को बड़ा प्रबल माना गया है। समष्टि संकल्प माने जो प्रजा का संकल्प हो जाए, सबका संकल्प एक हो जाए, सब लोग ऐसा चाहते हैं। महाराज जब सब लोग ऐसा चाहने लगते हैं तो राज्य पलट जाते हैं, सब राज्य सत्ता बदल जाती है, सबकी अगर इच्छा हो जाए तो। होती है कि नहीं होती है? तो इसलिए वो स्वामी जी महापुरुषों से प्रार्थना कर रहे हैं, मोहि मति बल अति थोर, करो कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करो निहोर। मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, आपका निहोरा करता हूं, ऐसा बोल रहे हैं। कहा करो कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करो निहोर, कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मरार। भगवान के यश रूपी मान सरोवर के आप लोगों में दो नाम उन्होंने रखे, कवि और कोविद, है ना, मतलब विद्वान और ये जो भक्त हैं कवि हैं। बोले आप लोग प्रभु यश रूपी मान सरोवर के हंस हो। क्या मतलब इसका होता माना है? जैसे मान सरोवर में हंस खेलता है, वहीं भोजन लेता है, वहीं रहता है, ऐसे ही आप लोगों की बुद्धि और मन परमात्मा के यशोगान में ही रमण करता रहता है, रमण करता रहता है। कवि कोविद कहा मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि करी कृपा, मुंह पर हो दया। कहा आप लोग रामचरित राम यश रूपी सरोवर के हंस हो। हंस आपने पीछे हंस का विवेक सुना ना, नीर छीर विवेक हंस का होता है, ये दृष्टांत था ना। संत हंस गुण गहाई पे परिहरिवार विकार, और यहां सारी चीज मिली हुई है। देखो इसी जगह पे, इसी स्थान पर, इसी समय में, यही हम लोगों के पास है ना, वर्तमान संसार है और विद्यमान परमात्मा है इसी जगह, और दोनों प्रत्यक्ष हैं, लेकिन हम इनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो उन दोनों को अलग अलग समझने के लिए क्या चाहिए? बोले हंस जैसी बुद्धि चाहिए। इसीलिए नहीं संतों को कहा जाता परम हंस। परम हंस माने जिन्होंने वो देख लिया, अलग अलग कर लिया, वो दोनों को अलग अलग वो देख लेते कि वो विद्यमान क्या है और वर्तमान क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है।
यहाँ जड़ दोनों ही जड़ चेतन, जड़ क्या है चेतन क्या है, संसार कौन भगवान कौन, दोनों एक जगह। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल बाल विनय सुन सुरुचि लख, मुझ बालक की आप विनती सुनो। तो किसी ने कहा भाई क्या जरूरी है, सब बालक तो ऐसा नहीं करते कि वो जब इतनी बड़ी समस्या है तो ना लिखो। बोले नहीं सुरुचि लख, लिखना तो आए हमको। अगर आप संकल्प छोड़ दो तो समस्या खत्म हो गई, फिर क्या मतलब है भाई, तब तो कुछ है ही नहीं। तो फिर बाल विनय सुन सुरुच लख, मुंह पर हो कृपाल आप लोग सब हम पर महाराज कृपा करो। और फिर आगे अब वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। वंदो मुनि पद कंज रामायण जय निर्मयो, मैं वाल्मीकि मुनि महाराज के चरण वंदन करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की। कथा तो रामायण से ही ली है गोस्वामी जी, सिद्धांत वेद से लिए, तो व्यास जी को पहले लिया, अब कथा में वाल्मीकि जी को भी लिया। व्यास जी भगवान के अवतार माने जाते हैं इसलिए भी उनको पहले लिया, वाल्मीकि जी भी महापुरुष माने जाते हैं उनको लिया। तो कह रहे हैं बंदो मुनि पद कंज रामायण जय निर्मयो, और उस निर्माण में विशेषता क्या है, सखर सुकोमल। ये देखो ये विशेषता है, ये बार बार जो दो विरोधी शब्द हैं उनका सामंजस्य दिखाते हैं। आपने ऊपर देखा ना भगवान के स्वरूप को बताया, बोले सरल सबल साहेब रघुराज, वो सरल भी है सबल भी है। फिर अभी आपने सुना सरल कवित कीर्ति विमल, कीर्ति विशुद्ध हो और जो बताने की शैली है जो भाषा है वो बिल्कुल सरल। अब कई कई बार तो महाराज डॉक्टरों से भी अगर पूछो, सब नहीं है ऐसे लेकिन अधिकांश संख्या तो ऐसी ही होती, उनसे अगर आप पूछो कि क्या हो गया है तो अगर वो हमें लगता है ये देख लें कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तब तो वो पूरी अंग्रेजी झाड़ेंगे, और अगर थोड़ा सा उसमें घुस जाओ तो चुप हो जाएंगे, पता लगे इनको अंग्रेजी के तो ये भाषा का तो इनको कोई ज्ञान नहीं, ऐसे शब्द उल्टे पुलटे उसको समझाएंगे तो बेचारे समझ में भी ना आवे कि क्या कहें। ये कोई ये सज्जनता नहीं है, ये दुरुपयोग है वाणी का। कि आप बचना चाहते हो जिम्मेवारी से तो आप ऐसा बोलते हो, नहीं हमको तो पता है सामने वाले को ये बात समझ में नहीं आएगी, तो हमें नियम तो ये है कि आप अपनी ओर से ऐसा समझाएं उस सरल भाषा, वो आपकी नहीं समझ सकता है तो आप वहां तक उतर के समझा तो सकते हैं ना। ये बहुत अच्छा नहीं माना गया, इसको महाराज कठोर है, ठग विद्या बोला गया है। ऐसे विद्वानों का संतों का काम आचार्यों का क्या है कि वो वेद पढ़ेंगे, बड़े बड़े सिद्धांतों को पढ़ेंगे। आपको बताएं गुरुओं ने ऐसा कहा कि अगर सामने कोई भी बैठा है जिज्ञासु बन करके, अगर तुम्हारी बात उनको समझ में ना आवे तो बोले तुम पढ़त मूर्ख हो, ये गुरुओं ने कहा। पढ़त मूर्ख आप समझ रहे हो, मैंने पढ़े लिखे मूर्ख हो, तुम्हारे पढ़े लिखे होने का कोई अर्थ नहीं, सामने वाले की स्थिति तक तुम्हें उतरने की कला आनी चाहिए। आप चाहे जितने बड़े विद्वान बने नहीं है, अगर समझ में ही ना आए तो वार्ता का मतलब क्या है, तो ये आपका कार्य है कि आप उस तक उतरो। तो वाल्मीकि महाराज ने जो वर्णन किया कहा उसमें सखर सुकोमल, देख रहे हैं आप सखर, आपने सुना सखर, बोले ये बड़ी खरी बात करते हैं। चलो अच्छा इसको व्यवहारिक रीति से हम लोग ऐसे समझते हैं,
खरी बात पिता को कहनी पड़ती है बच्चों के लिए। अगर वो खरी न कहे, जैसे दुनिया लिपि पुती करती है वैसा वो नहीं करेगा। क्यों करनी पड़ती है उसको, वो भी लिपि पोत करके बराबर करे दूसरों की तरह से। संतान के संदर्भ में संतान को एक दिशा में ले जाने के लिए, एक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खरी माने जो सही बात है वो कहनी पड़ती है। अगर वो गलत मार्ग पर है तो पिता तो उसको बोलता है, उसको बोलना चाहिए। वो नहीं कर सकता उस तरह का कि हां में हां मिला दे, नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसका हृदय कोमल है। किसका? वो लीपने पोतने वालों का हृदय कोमल नहीं है, पिता का हृदय कोमल। हृदय कोमल का अर्थ क्या हुआ? दोनों की संगति देखना आप। उसे बाहर कठोर बोलना है, क्यों? क्योंकि उसका हृदय कोमल है संतान के प्रति। बिल्कुल नहीं चाहता है कि संतान हमारी किसी गलत मार्ग पर जाए, और उसको ये पता है कि हो सकता है कि हमारी बात सुन करके, है ना, थोड़ी देर इन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी वो सखर है। इनमें संगति आपको समझ में आ रही है ना? फिर भी वो सखर है। खर माने सच्ची बात, सही बात। नहीं, लोग कहते खरी बात कह दो तो लगता है। ऐसे ऐसे नहीं खरीदिया, सखर सुकोमल मंजू, उन्होंने जो लिखा वो खरा लिखा। दोष रहित दूषण सहित, वहां जो लेखन है वो सखर है लेकिन कोमल है। ये कोमल है माने हितकारी है, सुनने वाले के लिए लगने वाला है, ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। दोष रहित दूषण सहित, दूषण रहित अंतःकरण को, दूषण सहित अंतःकरण को दोष रहित बना देने वाला। हमारा अंतःकरण कैसा है? दूषण सहित। तो जब आपका काव्य रामायण जिनको कहा गया उसको पढ़ते हैं तो अंतःकरण कैसा बनता है? बोले दोष रहित। शास्त्र का महाराज, शास्त्र श्रवण का, शास्त्र अध्ययन का फल यही होता है। फल ये होता है कि वो हमारे गलत मान्यताओं का ध्वस्तीकरण कर देते हैं। हम बहुत समय तक किसी बारे में ऐसा सोच रहे थे, लेकिन जब हमने शास्त्र में पढ़ा तो हमें वो उलट दिखाई दिया। क्योंकि श्रद्धा रखते हैं तो हमने ये अपने भीतर स्वीकार कर लिया कि मेरी जो सोच थी वो सही नहीं थी। तो सुधार हुआ कि नहीं हुआ? महाराज इसी का नाम सत्संग है, गलत मान्यताओं के ध्वस्तीकरण का। थोड़ा बात को आगे ले चलें महाराज, इन्हीं गलत बातों की मान्यताओं ने हमको छोटा कर दिया। और जो हमने ये मान्यताएं बनाई, ये कोई सोच के, कोई पढ़ के, कोई प्रामाणिकता के आधार पर थोड़ो बनाई, ये ऐसे ही इधर उधर से सुन सुन के बन गई। थोड़ा चूंकि मणि भक्ति तक पहुंचने के लिए हम लोग बैठे हैं तो उसी स्तर से थोड़ा थोड़ा बीच बीच में है ना। अच्छा, आप कभी थोड़ा विचार करना कि आप अपने बारे में जो आकलन रखते हैं, हर कोई रखता है, जिसको स्तर बोलते हैं, स्तर समझ रहे हैं ना, हर कोई अपने बारे में एक समझ रखता है कि मैं मीडियम, मैं हाई, मैं लो, है ना, सबके मन में होता है वो, सब लोग अपना आकलन करके चलते हैं। ये किस आधार पर बना? अच्छा, मैं देह हूं ये आपने कहीं प्रमाण पढ़ा कि सुन के मान लिया? जैसे और लोग मान रहे थे वैसे मान लिया।
से समझ, मैं नहीं हूं ये अपने अनुभव से माना। नहीं अनु सत्संग में तो आप आए नहीं, अपने बारे में जो मान्यता है उसका निर्माण तो बहुत पहले छोटे से ही हो गया है, बल्कि जन्म जन्मांतर से लगा पड़ा कि मैं जीव हूं। अब ये तो भाई देह हूं, ये अभी आया जीव हूं तो अनादिकाल पीछे से आ रहा। तो मेरी जो अपने बारे में मान्यता है कि मैं देह हूं, चलो अच्छा अभी यहां तक, और मैं जीव हूं, और मैं ये ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, ये जो भी मान्यताएं जो उपाधियां हमारे हमने अपने ऊपर लगाई हैं, ये कहीं से सोच समझ के लगाई हैं या ऐसे ही लग गई हैं या देख देख के लग गई हैं या सुन के लगा ली, सोच समझ के लगाई। अच्छा तो गंगा राम पाल जब आपका नाम आपने रखवाया था तो सोचा समझा था कि लोगों ने रख दिया आपने मान लिया, सोचने समझने की बात कहां आई। अच्छा मैं संसार का हूं ये मान्यता हम सबकी बैठी है, संसार का हूं जो संसार जो जा रही है चीज मैं उसका हूं, उसको पकड़ के रखना चाहता हूं, ये मान्यता कहां से आ गई। ये कोई सोच समझ के आया, ये लोगों को देख करके संसार से ही हमने अनजाने में अपने ऊपर ओढ़ लिया है ना, यही हमारे लिए है ना समस्याओं का कारण बन गई ये मान्यताएं अपने बारे में। वो कोई हमने सोच समझ के नहीं बनाई, उसमें कई चीजें हैं जो सही भी हैं, ऐसा नहीं कि हमारी सब मान्यताएं गलत हैं, ना ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ गलत भी हैं कुछ सही भी हैं। तो आप देखो बहुत ज्यादा सही हो लेकिन उसमें कुछ भी अगर गलत हो जाए, जैसे एक कूड़ा भगवना और दूध रखा हो उसमें थोड़ा कूड़ा भी डाल दो आप वो पूरा का पूरा दूध खराब हो गया, ऐसा नहीं कि वहां शुद्ध दूध अच्छा दूध नहीं था। ऐसे हमारे अंतःकरण में ऐसा नहीं कि अच्छी मान्यताएं ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन उसमें गलत मान्यताएं भी प्रवेश कर गई तो खराब कर दिया उसने, पूरे अंतस को खराब कर दिया। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो कौन कौन सी मान्यताएं हैं, ऐसे थोड़ा संसार के बारे में मान्यता हमारे भीतर है, क्या भीतर बताऊं आपको, हम ऐसे जी रहे हैं कैसे जैसे कपिल अब ये मान्यता कहां से आ गई, और जो कि रोज देखते हैं और दूसरे को वहां भेज भी आते हैं जाके, नाम नहीं लेंगे नहीं डरना, अंतिम प्राणी की एक सर थोड़ी देर प्रवचन भी सुना देते जब तक तो वो पेड़ा ना खाए ऊपर तो हम निवेदन केवल ये कर रहे थे कि संसार के बारे में तो हमारे भीतर इसी तरह की मिलीजुली मान्यताएं, कुछ अच्छी कुछ बुरी कुछ सही कुछ गलत, भगवान के बारे में भी हमारे भीतर जो मान्यताएं हैं कुछ सही है कुछ गलत है, भगवान दयालु है ये हम सबके भीतर मान्यता अच्छी है सही है, लेकिन फिर भगवान केवल सगुण है अगर ये भी मान्यता धस गई है तो ये सही नहीं, केवल सगुण नहीं है वो। तो संसार के बारे में भी जो मान्यताएं वो भी कुछ सही कुछ गलत, भगवान के बारे में जो मान्यताएं वो भी कुछ सही कुछ गलत, अपने बारे में भी जो मान्यताएं वो भी कुछ सही कुछ गलत है। तो हम अपनी मान्यताओं को जब शास्त्र में मिलाते हैं तो हमको पता लग जाता है कि यहां ये गलती है,
हम ठीक कर लें। तो वो कह रहे हैं, वाल्मीकि जी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी, बंदो मुनि पद कंज, ऐसे ही शब्द जैसे लिखे हैं वैसे ही पढ़ना है हम लोगों को। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं, रामायण जय निर्मयो, जिन्होंने रामायण माने राम धन आयन, तो आयन माने घर, आयन शब्द के दो अर्थ, आयन माने मार्ग भी होता है, आयन माने घर भी होता है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं रामायण। अब घर है अगर रामायण, तो जहां राम जी रहते होंगे, घर तो उसी को कहते हैं ना जहां आप रहते होंगे। तो अब किसी व्यक्ति को अगर अच्छे से पहचानना हो उनके सील स्वभाव को, हैं, उनके व्यवहार को, तो जब वो रिश्तेदारी में या कहीं होंगे तब आप उतना नहीं पहचान पाओगे उनके पहनावे को। अच्छा पहनावे को सही में अगर जाना, तो बाहर तो वो जाएंगे तो सफारी सूट में होंगे, चाहे भले मांग के लाए हो मैंने वो जो सही सील स्वभाव व्यवहार अगर आपको जानना है तो आपको व्यक्ति के घर जाना पड़ेगा। हमने आपको उसी की सफारी देख के नहीं बोला, आप ऐसा नहीं तो घर मैंने सही स्वभाव की जानकारी घर जाने से होती है कि इनका व्यवहार कैसा है, इनकी वो भाषा कैसी। अब बाहर आएगा तो वो बढ़िया शुद्ध खड़ी बोली, घर में जब जाओगे ना, तो भगवान को भी अगर पहचानना है, उनके यथार्थ सील स्वभाव व्यवहार रूप को जानना है, तो उनके घर जाना पड़ेगा। तो भगवान का कौन सा घर है? रामायण। अच्छा, घर जाने के लिए रास्ता भी चाहिए देखो कहीं हमको पहुंचना है तो उसका हमें मार्ग भी पता होना चाहिए। तो हमें भगवान तक जाना है तो वहां तक पहुंचाने के लिए जो आयन है, राम आयन माने राम तक पहुंचाने का रास्ता, तो रामायण क्या बनी? राम भगवान तक पहुंचाने का मार्ग भी है और उनके रहने का घर भी है। ऐसे ऐसे काव्य की रचना करने वाले मैं वाल्मीकि जी की वंदना करता हूं। आए पाठ कर लेते हैं फिर हमें। बोलिए शंकर भगवान की सुकोमल मन दोष रहित दूषण सहित, शकर सुकोमल मन दोष रहित दूषण सहित, मन्नौ चारिव वेद भव बारिधि मोहित सरिस, मन्नौ चारिव न सपन खेद बरनत रघुबर बिसद जसु, न सपन खेद रघुबर बिसद जसु, बन्नौ बिजदि पद रेणु भव सागर जय कीरज, समधेन पटे विबुध भी प्रबुध गए चरण
बंदि कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरव सकल मंजु मनोरथ मोरी। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका, कहत सुनत एक हर अभिवेका, गुर पितु मातु महेश भवानी, गुर पितु मातु महेश प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखासिय पी के, सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपदि सब विधि तुलसी के, हित निरुपदि सब विधि तुलसी के, कलि बिलोक जग हति हर गिर जाहित, कलि बिलोक जग हित हर गिर जाहित, साबर मंत्र जाल जिन सिर जाहु, साबर मंत्र जाल जिन सिर जाहु, अन मिल आखर अर्थ न जापू, अन मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, उमेश मोहि पर अनुकूला, करिय कथा मुद मंगल मूला, करिय कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ, भनित मोरी शिव कृपा विभाति, भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराति, शशि समाज मिलि मनहु सुराति, जे ये कथहि स्नेह समेता, जे ये कथहि स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझी सचेता, कहीं है सुनी है समुझी सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, सपनेऊ साचेऊ मोहि पर जौहर गौरी पसाऊ, सपनेऊ साचेऊ मोहि पर जौहर गौरी पसाऊ, तो फुर होई जो कहूं सब भाषा भनित प्रभाव, सियावर राम चंद्र की जय। चर्चा चल रही थी गोस्वामी जी वाल्मीकि महाराज की वंदना करने के बाद
अब वेदों की वंदना करते हैं, कहते हैं बंदों चारु वेद भव बारिद बोहित सरिस। बढ़िया बात, जिन्हें न सपने खेद बरनत रघुबर विशद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं, वो क्या है पहले ये बता दिया मैंने। वेदों में जो मूल वर्णन है, जो मूल विषय है, वो क्या है, तो एक रूपक के आधार पर रूपक बना करके समझा रहे हैं गोस्वामी जी। कहा भव वारिधि बोहित सरिस, जैसे भव सागर, जैसे कोई समुद्र है, अब समुद्र को पार करना है तो बोहित चाहिए, बोहित माने जहाज, या आप इसको ऐसे कर लीजिए पार करने का साधन, अब कोई भी हो सकता है, तो भव सागर से पार करने का साधन है वेद। माने वेदों में जो वर्णन मुख्य है उसका आधार यही है कि एक जीव वो भव सागर से कैसे पार हो। अब भव माने समझ चुके ना, हाँ, जो हमारे भीतर ये भव 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 लगा हुआ है, हाँ, भव माने होना, या आप इसको और सरल कर लें तो बनना, जैसे आयुष्मान भव, ऐसे नहीं लोग आशीर्वाद देते हैं, तो माने आप विद्या वाले हो जाओ। दीर्घायु भव, तो क्या मतलब दीर्घायु, आप लंबी उम्र वाले हो जाओ। ऐसे हम लोगों के जीवन में जो भव लगा हुआ है, भव है ना, ये तीन प्रकार से लगा हुआ है, हम आपको पुनः याद दिला देते हैं। कहा ना कि ये भव भव ये हमको हमारे अंतःकरण में कहीं स्मृति में रहें तो फिर ज्यादा रस आएगा आपको कथा में। ये हमारे साथ तीन प्रकार से ये भाव 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 लगा हुआ है, माने बनो बनो बनो, किन चीजों को लेकर के, बोले करना, जानना और पाना। देख लेना, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम लोग कर ही रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहे हैं, यहाँ से सब लोग आयु वाले हैं। क्या किया, बोले पढ़ाई की, विवाह किया, और क्या किया, व्यवसाय किया, ईमानदारी की, ये किया ये किया ये किया। अच्छा ये करते करते कितने के हो गए आयु की तिवारी, कितनी आयु हो गई, 70 69 के हो गए, 69 खर्च हो गए ये करते करते। आज भी क्या आपको ये था मिली कि कितना और कर लें कि आगे करना ना पड़े, कोई मानक बना। देखो अरे भैया 69 साल तो करते करते हो गए ना, कर ही रहे हैं, अच्छा कुछ तो कर ही रहे हो ना, तो क्या कोई एक निश्चय बना, कोई एक स्थायी बात बनी कि इतना और कर लें तो बस फिर आगे करना नहीं पड़ेगा। था नहीं मिली, इसीलिए इसको कहते हैं भाव, भाव सागर। सागर माने जो अथाह है, जिसमें था नहीं मिलती। एक तो है करना, दूसरा पाना। अब देखो जब से महाराज आए यहां संसार में, शरीर पाया, रूप पाया, बल पाया, सम्मान पाया, अपमान पाया, सुख पाया, दुख पाया, पदवी पाई, प्रतिष्ठा पाई, लेकिन क्या अब तक कोई ऐसा मानक बना कि कितना और पा लें जो आगे पाना, भाई जोर से अब तो बताया जाए, शेष न रहे, मिला कुछ, इसको कहते हैं भव सागर। तीसरी एक चीज और है, जानना। अब महाराज जान ही रहे हो छोटेपन से, माता को जाना, पिता को जाना, पड़ोसियों को जाना, पत्नी को जाना, बच्चों को जाना, राजनीति को जाना, और जिसको जानना चाहिए उसको जाना, जानो जानो जानो,
अच्छा, लेकिन क्या आज तक कोई था ऐसी मिल पाई कि कितना और जान लें कि जो आगे जानना ना? मिली भाई कोई था? नहीं मिली, इसीलिए इसको कहते हैं सागर। तो करना, पाना और जानना, तीन वृत्तियों को लेकर के ये हमारे भीतर हमेशा रहता है। करो करो करो, पाओ पाओ पाओ, जानो जानो जानो, हम जान ही रहे हैं। ये छूटेगा कब, था कब मिलेगी? था माने शांति, इसीलिए हम लोगों को लगता रहता है कि शायद अब शांति मिल जाए, अब मिल जाए, अब स्थाई शांति। अच्छा, जो व्यक्ति सागर के अंदर है, ठीक है, तो अब पानी में तो कब तक शांति नहीं मिलेगी बताओ भाई? तक बाहर नहीं आ जाएगा, या उसको कोई डूब रहा है, उसमें गोते खा रहा है, तो महाराज वो अपने बल से कूद तो रहा है, लेकिन सोचो कितनी समस्या है। जब तक उसे था न मिल जाए, कहीं टिल्ली या कोई है ना टापू ना मिल जाए, ऐसे है, इसी को भव सागर बोलते हैं। यहां भी हम लोगों को टापू नहीं मिल रहा है, इसीलिए दिन रात एक किए हुए हैं कि ये करके शायद बन जाए, ये पा के शायद बन जाए, ये जान के शायद बन जाए। 69 साल के हो गए, कर लिया पा लिया, अब हम सत्संग में जानना चाहते हैं, अब ये आ रहा कि शायद जान के बन जाए। देखो है कि नहीं है, ये चीज बैठने नहीं दे रही है, बैठने नहीं दे रही है चीज, यही है। तो अच्छा, जब तक था ना मिले, तो आप ना तो खड़े हो सकते हो शांति से पानी में, ना बैठ सकते हो कैसे? अच्छा, टापू ना मिले, पानी के अंदर हो आप, तो ना तो वहां खड़े हो सकते हो ना वहां बैठ सकते हो। और था ना हो तब तो फिर कहीं नहीं क्या तो अब ये था मिलेगी कैसे? बोले अगर आपको कोई, अगर आप गोते खा रहे हैं समुद्र में, और कोई जहाज, कोई बेड़ा, कोई साधन ऐसा आ जाए, आ जाता है जो आपको समुद्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, जहां आप शांति से आनंद से सांस ले सकते हो, आप ठीक निकल ही आए, उसका नाम है ना, जैसे संसार में उसका नाम जहाज है या नाव रख सकते हो, उसी तरह अध्यात्म में उसका नाम वेद है। भव वारिधि बोहित सरिस, वेद चार हैं, बंदो चारु वेद, चार वेद जी, वेद बोहित का काम करेगा। हाँ, बोहित का काम करते हैं, भवसागर से पार करा देते हैं, माने था मिल जाएगी आपको, आपको पता चल जाएगा स्थाई शांति। साधनों के बल से जो हम लोग महाराज निश्चिंतता और शांति बनाते हैं, उसमें स्थायित्व तो नहीं होता, समस्या तो ये है ना। वो है तो ठीक है, इसको भी आप नकार नहीं सकते, साधनों से भी एक निश्चिंतता, एक शांति आती है, एक गौरव आता है, इसको भी आप डिनाई मत करना, कर ही नहीं सकते। लेकिन इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये टिकाऊ नहीं है हमारा जी, ये परमानेंट नहीं है। वो टिकाऊ और परमानेंट शांति कब मिलेगी? टिकाऊ और परमानेंट सुख कब? बोले जब हम वेद रूपी नाव से, वेद रूपी जहाज से पार करें बहुत सारे, न जाने वाली शांति। अभी हमारे पास जो शांति है वो जाने वाली है, वो महाराज अच्छे वाले शांत बैठे और जरा सा कोई हमारे विपरीत किसी ने दो शब्द भी आकर के बोल दिए तो पाल जी तो मुंगरी लेके दौड़ पड़ते हैं तो कहाँ गई वो, भंग हो गई शांति। अभी जो हमारे पास निश्चिंतता है तो बड़े निश्चिंत हैं, लेकिन कोई एक छोटे से कानून बदल के सरकार ने रख दिया, पता लगे वो एकदम से निश्चिंतता जो थी वो सब खत्म हो गई, एकदम से भीतर उपद्रव शुरू हो गया।
तो वो कब होगा? बोले वो वेद रूपी साधन का उपयोग करो, वो आपको किनारे पे ले जाएगा, सबसे भव सागर से पार करा देते हैं। तो वेद चार, एक ही वेद को व्यास भगवान ने चार भागों में विभक्त कर दिया, मतलब व्यवस्थित किया। कुल मिलाकर के वेदों में लगभग 100,000 मंत्र हैं। 100,000 मंत्रों में यहां से वेद चलते हैं आपको पार कराने के लिए। 80,000 मंत्र जो हैं वो कर्म कांड के हैं, है ना? मैंने धर्म बताने वाले और ये 80,000। तो जब मैंने जो व्यवहारिक पक्ष को लेकर के चलते हैं, धर्म व्यवहार तो धर्म के ही अनुसार होता है, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है कौन बताएगा? बोले वेद बताएंगे। तो वहां सब तरह के व्यवहार के बारे में बताया गया, इसको इसमें 80,000 मंत्रों में है ये। फिर 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तो जब हम धर्म पथ पर चलते हैं, अपना व्यवहार ठीक करते हैं, व्यक्तित्व अच्छा बनाते हैं, तो शुद्ध, अच्छा शुद्ध व्यवहार का मानक क्या है, कसौटी क्या है कि मैंने शुद्ध व्यवहार किया? चलो भाई थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि समय हो रहा। हमारा व्यवहार शुद्ध हुआ, इसका मानक क्या है? हाँ भाई राम कुमार जी आप बताएं। कोई बात नहीं, तो सत्संग है, उसे ज्यादा दिमाग में रखना नहीं है, कुछ आता हो तो। कोई प्रश्न नहीं है, ये चर्चा है क्यों? कहा कोई अगर कहना चाहे तो आप कहें। ईमानदारी से रहें, समान में ईमानदारी से, हमारे शरीर से किसी जीव को जी हानि ना हो। अच्छा ठीक, हाँ भाई ना आवे तो आप बोल दिया करो, जब पूछा जाए तब संवाद तो रहना चाहिए। हाँ कुछ अवस्थी जी कहना चाहेंगे? व्यवहार की शुद्धता का मानक क्या? आप कोई काम धर्म के मतलब विरुद्ध ना हो, मतलब कोई ऐसा हमसे कुछ ना हो जो धर्म के विरुद्ध। ठीक, अच्छा चलो अब चलते हैं। ठीक बात है, सही है, आप लोग सोचना, देखो शास्त्र में चलते हैं। हाँ बताइए बताइए। जी 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 अच्छा अच्छा ठीक, ये भी है ठीक है। शास्त्र ने इनको इन शब्दों में कहा। अच्छा आप कुछ, हाँ अच्छा, शरीर के शुद्धता का, स्वस्थ का प्रमाण क्या? भाई आप स्वस्थ हो, आपका शरीर स्वस्थ है, इसका प्रमाण क्या? भूख लगे, ठीक, शरीर के सारे अंग स्वस्थ हैं, ऐसे फिर कर लो। मैंने इसका जो मूल प्रमाण ये है कि आप शरीर आपको याद ना आवे तो ध्यान रखना, तो आपका शरीर स्वस्थ है। शरीर अगर आपको याद आ रहा है, ध्यान रखना, अगर आप का पैर गड़बड़ है तो आप चाहें जितने अच्छे सत्संग में जाओ, वो पैर बताएगा कि हम हैं, इसका मतलब शरीर स्वस्थ नहीं है। अगर कोई भी अंग डैमेज है, गड़बड़ है, अस्वस्थ है, तो वो आपको मुक्त नहीं होने देगा, वो आपको पकड़ के रखेगा, आप उसे भूल नहीं पाओगे, नहीं भूल पाओगे। कान में अगर दर्द है, कान में अगर अस्वस्थता है, तो आप बैठो हनुमान चालीसा करने, वो बताएगा कि हम भी हैं हनुमान जी बाद में। इसी तरह से शुद्ध व्यवहार की कसौटी ये है कि व्यवहार करने के बाद वो हमारी चित्त में जगह ना ले। हाँ, और अगर व्यवहार होने के बाद हमारे मन पर संस्कार उसका पड़ रहा है, जगह ले रहा है, तो ध्यान रखना वो व्यवहार की
उसकी उसको शुद्ध नहीं उस व्यवहार को माना गया शास्त्र में। अच्छा आप देखना, अगर किसी को कोई अपशब्द निकल जाए किसी से दे दे, तो बाद में उसके चित्त में बहुत दिनों तक वो बात रहेगी कि नहीं रहेगी? व्यवहार अशुद्ध हुआ है। मन ने जो है न रहे याद उसकी आएगा, अभी आएगा, यही तो है। शुद्ध व्यवहार की कसौटी ये है कि आपके अंतःकरण में वो स्थान न घेरे। शुद्ध सांसारिक व्यवहार जी, व्यवहार सांसारिक ही होता है महाराज। हाँ इसको ये ठीक है तो आप कह सकते हो ये पारमार्थिक, लेकिन ये भी व्यवहार में आता है, बस अंतर विद्या विद्या का है। हाँ चर्चा आगे आएगी इसकी भी। हाँ आएगी आएगी आएगी, ये भी आएगा। तो हम निवेदन क्या कर रहे थे, ऐसा व्यवहार हमसे कैसे बने कि व्यवहार हो जाए बात खत्म। अरे भाई आप किसी ऐसे समझो, किसी आप यात्रा कर रहे हैं और अगर आपने सही यात्रा की तो जिस बस से आप आए हो वो बस आपको याद नहीं रहेगी, और अगर उसमें कोई घटना घट गई है, आपकी यात्रा बाधित हुई है, तो आपको बहुत समय तक वो बस याद रहेगी कि मैं दिल्ली गया था, वो लाल कलर की थी और नंबर उसका ये था और उसमें हमारा ये छूट गया था। वो भूल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वहाँ जो व्यवहार यात्रा का हुआ उसमें कहीं गड़बड़ी हो गई या तो द्वेष हो जाएगा या राग हो जाएगा। मैंने हम इसको अब दो शब्दों में बांधते हैं, भगवद गीता में भगवान ने बनाया, कहा या तो आपका द्वेष व्यवहार में हो गया और या तो राग हो गया, तो ये दोनों ही हमारे अंतःकरण को मलिन कर देते हैं, इन्होंने जगह ले लेते हैं वहां। अब ये कौन बताएगा कि मित्र के साथ कैसा व्यवहार करें जो शुद्ध हो, पिता माता के साथ व्यवहार, इसकी कसौटी क्या है, इसके मानक क्या है, कि विधि निषेध क्या है, वो वेद भगवान ने बताया। तो उसके 80,000 मंत्र हैं। दूसरी चीज 16,000 मंत्र उपासना कांड कांड के। देखो बिना प्रियता के महाराज जीवन नहीं है, जीवन है तो प्रेम तो चाहिए। थोड़ा चूंकि समय हो गया है तो संक्षेप में, तो भगवान से हम प्रेम कैसे करें, कैसे बात बने, कैसे हमारी बुद्धि, कैसे प्रभु प्राप्ति की चाहत प्रबल हो, बोले उसके लिए 16,000 मंत्र। भगवान कैसे हैं, हमारा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, उन एकात्मिक के बोध क्या है, ये बताने के लिए 4,000 मंत्र हैं। नहीं भक्ति के 16,000, ज्ञान के 4,000, ज्ञान के 4,000, ज्ञान के 4,000, 16,000 उपासना के, भक्ति के हैं, भक्ति के। तो बंदम चारु वेद, ये 4 वेदों में ये 1,00,000 मंत्र इस तरह से व्यवस्थित हैं। तो पहले धर्म से अंतःकरण की शुद्धि है ना, फिर उपासना कराते हैं और फिर परमात्मा के बारे में वो ज्ञान कराते हैं। भाव बारिद बोहित सरिस जिन्हें न सपने खेद वर्णत रघुबर विशद जसु। सपने खेद का अर्थ क्या हुआ, मैंने वहां और कुछ दूसरा बताने का किंचित मात्र भी उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य है, केवल परमात्मा के बारे में बताना। अब महाराज इस पर आगे चर्चा आप कल श्रवण करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत श्री रामायण की रथ कलित ललित शिरति गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुखदन कादि श्रेष्ठ अनुसार आज के सत्संग की हर हर महादेव।